हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्कूल सीखने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एचटीएमएल की सब सीरीज, और इसमें आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 6 आई फ्रेम इन एचटीएमएल। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमारे इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है उन सबको इस चैनल पर कवर किया हुआ है। HTML सबसे पहले, उसके बाद CSS, फिर JavaScript, jQuery, PHP और MySQL। ये इस कोर्स का कंटेंट है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल वीडियोस भी आपको मिलेंगे। HTML में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। आज हम आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आई फ्रेम टैग को। आई फ्रेम एक HTML टैग है जिसकी मदद से हम एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली दूसरे टैग्स यूज करते हैं, आई फ्रेम भी एक टैग है और इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है src। src एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी url। ठीक है, अब मैं एक बार आपको यहां समझा देता हूं कि एक्चुअल में जो वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि ये एक वेब पेज है, ठीक है, इस वेब पेज पर मैं चाहता हूं कि एक स्मॉल सेक्शन हो, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाए इस छोटे से फ्रेम में। इस पर क्लिक करूँ तो इसी फ्रेम पे ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाए। इस तरह का कुछ बनाना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये मेरा एक वेब पेज है पूरा, और फिर उसके अंदर एक फ्रेम है जिसमें फिर से एक वेब पेज आ रहा है। तो ये जो फ्रेम हमने बनाया ना, इसी को HTML में हम क्या बोलते हैं, आई फ्रेम। Got it? तो ये आई फ्रेम हमें बनाना है, और जो यहां पर चीज डिस्प्ले होने वाली है उसका URL कहां लिखेंगे, तो आई फ्रेम के अंदर जो src एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको बेसिक थ्योरी तो समझ में आ गई, अब हमको एक प्रैक्टिकल करके इस चीज को देखना है। तो हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूं कि यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, कुछ भी उसका नाम रख लेते हैं, लेट्स से test.html, और इसकी अब मैं कोडिंग करने वाला हूं। कोडिंग करने के लिए हमें इसे ओपन करना होगा Notepad++ में। तो देखिए, Notepad++ में मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं लिख रहा हूं doctype HTML। ये HTML5 के लिए होता है। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज। इसके अंदर हेड टैग, जो जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारा HTML फाइल का, वही मैं लिख रहा हूँ। बॉडी टैग, मेन चीज पे हम फोकस करते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैं आई फ्रेम बनाने वाला हूँ एक, तो मैंने लिखा आई फ्रेम, ठीक, और इसमें src एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में मैं कुछ लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा http://www.mysrg.com, ठीक है। तो अच्छा, आई फ्रेम टैग एंड भी कर दिया। अभी मैंने सिंपली ऐसा लिखा हुआ है। अभी अगर इस पेज को रन करके देखें तो कैसा आएगा, आइए उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेज यहां पर दिखाई दे रहा है test.html पर। इसके अंदर एक फ्रेम बनी हुई है और उसके अंदर mysrg.com की वेबसाइट दिख रही है। यहां पर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार भी आ गए हैं जिससे कि आप पूरी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, पर ऑब्वियस ही बात है कि इतनी छोटी सी फ्रेम में हमने इसको दिखाया, पर मैंने तो फ्रेम का कुछ भी साइज सेट नहीं करा हुआ था। ये ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट साइज है, पर हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ये CSS के द्वारा भी किया जा सकता है, और HTML में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, पर फिलहाल ये चीज मैं CSS के द्वारा करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो देखें जरा कैसे करेंगे CSS के द्वारा। सिंपल सी हम CSS इसी में ऐड कर लेते हैं, स्टाइल टैग क्लोज। ये बेसिकली इनलाइन, ये इंटरनल स्टाइल शीट कहलाती है। आप चाहें तो इनलाइन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहां पर क्या करना होगा, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, स्टाइल टैग के अंदर आई फ्रेम पर कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं सेट कर रहा हूँ इसकी विड्थ। मैं इसकी विड्थ कर देना चाहता हूँ लेट से 100%, और हाइट कर देना चाहता हूँ लेट से 300 पिक्सल।
अभी यही चीज है, लेकिन अब विड्थ और हाइट मैंने चेंज कर दी है, तो मैं इसको फिर सेव करता हूँ और एक बार फिर इसको रन करके बताता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब ये जो जगह है ये पूरी विंडो कवर करेगा। अब क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरी विड्थ है, ठीक है, और ये स्क्रॉलेबल है, तो इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट को देख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा और इफेक्टिव प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हमने सोचा था कि यहाँ पे कुछ लिंक्स होंगे और अलग अलग लिंक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट के अलग अलग पेजेस खुलेंगे, तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एंकर टैग्स लगा लेता हूँ। जैसे मैंने एक एंकर टैग लगाया, इसके HREF की वैल्यू हमने लिखा, एक तो यही वैल्यू लिख लेते हैं mysurgery.com वाली साइट, है ना, तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, और माय वेबसाइट, इस तरह से एक और बना लेता हूँ एंकर HREF इक्वल्स टू HTTP:// ब्लॉग ट्रेंडिंग .com। ये भी मेरी वेबसाइट है www. ठीक है, और माय ब्लॉग्स, ऐसे आप कितनी भी वेबसाइट्स ले सकते हैं। मैंने अभी दो लिंक्स लिए हुए हैं और दोनों को BR टैग से लाइन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, और ये भी इन आई फ्रेम जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, इसलिए इसके बाद भी मैं BR टैग लगा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसकी वेट 100% रखी हुई है इसलिए कोई इशू नहीं आने वाला, वो नेक्स्ट लाइन में ही दिखने वाला था माई वेबसाइट। अच्छा, इसमें बाई डिफॉल्ट क्या पेज दिखेगा उसका ही SRC है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि कोई दूसरा पेज लगा देता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा पेज का मतलब हुआ गूगल का पेज लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ google.com, ठीक है। अच्छा, और इसका मैं कुछ नाम भी रखना पड़ेगा। अभी ये एंकर टैग बनाया तो आप जब माय वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट तो नए पेज पे ओपन हो जाएगी, मैं चाहता हूँ इस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो, तो मैं इस आई फ्रेम को कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने नेम दे दिया माई फ्रेम, ठीक, माय फ्रेम ऐसा कुछ नेम दे दिया, और इस नेम को मुझे यहाँ टारगेट एट्रीब्यूट में सेट करना है टारगेट, और इसकी वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया माय फ्रेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट लोकेशन जहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होनी चाहिए वो नए पेज पे ना ओपन होके बल्कि इस फ्रेम पे ओपन हो, तो इस फ्रेम का नाम मैंने रखा है माय फ्रेम, तो यही टारगेट मुझे लिखना पड़ेगा दूसरे वाले एंकर में भी। Got it? अब ये बन चुका है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बेसिकली ये google.com का पेज है जो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी रीज़न है, लेकिन माय वेबसाइट और माय ब्लॉग्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेजेस दिखाई देंगे, जैसे मैंने माय वेबसाइट पे क्लिक किया, तो अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ पर अभी प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए ये पेज आ गया है। अच्छा, माय ब्लॉग्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसी फ्रेम में अभी ये mysurgery.com की वेबसाइट दिख रही है, अब ये चेंज हो जाएगी और माय ब्लॉग्स मतलब ब्लॉग ट्रेंडिंग वेबसाइट दिखने लगेगी, तो ये ब्लॉग ट्रेंडिंग वेबसाइट का पेज दिखने लगा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी वेबसाइट आ गई। तो आपने अपने वेबसाइट के एक वेब पेज पे एक फ्रेम बनाया और उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को आप ओपन करा रहे हैं सिंपली क्लिक करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप वीडियोस वगैरह भी एम्बेड कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस एम्बेड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स रख सकते हैं, जो भी आपको इसमें करना है बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, तो दिस इज आई फ्रेम। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको
सिर्फ पीएचपी माइस्क्यूएल ही नहीं, और भी कई सारे कोर्सेज मिलते हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा या डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस वगैरह, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। यहाँ वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपके काम आ सकता है, जैसे इसमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, या फिर आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि इसमें डेली वीडियोस आ रहे हैं, हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये कई लोगों के काम की हो सकती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के बहुत काम की हो सकती है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। तो शेयर करने के लिए आप फेसबुक वॉल पे इस वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका लिंक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। थैंक यू।